सो फ्रेंड, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, फ़ोन पे से किसी को ट्रांजैक्शन कर रहे हो या फिर पैसे को सेंड कर रहे हो तो यहाँ पे पेमेंट फील्ड दिखा रहा है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, यहाँ पे देखने को मिलता है द डेबिट का अमाउंट हैज़ बीन क्रेडिट बैंक टू योर बैंक अकाउंट फ्रॉम दिस फील्ड। यहाँ पे जो पेमेंट होता है यहाँ पे फील्ड हो जाता है। अगर आपको यही प्रॉब्लम आती है तो आप लोग कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को यही बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा टाइम ना गंवाते हुए वीडियो को स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, यहाँ पे पेमेंट फील्ड का यहाँ पे आपको कुछ एरर देखने को मिलता है। दैट इज़, अगर आपको यही एरर देखने को मिलता है तो आप लोग क्या करेंगे, इसको सबसे पहले इसको मिनिमाइज़ करेंगे। ठीक है, मिनिमाइज़ करने के बाद अब आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको प्ले स्टोर एप्लीकेशन होता है इसको ओपन करेंगे। इस तरीके से ओपन करने के बाद आपको जिससे भी ट्रांजेक्शन कर रहे हो, सपोज़ मानो मैं फ़ोनपे से कर रहा हूँ, तो आपको फ़ोनपे यहाँ पर सर्च करिएगा। ठीक है, फ़ोनपे सर्च करेंगे और यहाँ पर फ़ोनपे को आप लोग चेकआउट करना है कि आपका फ़ोनपे अपडेट तो नहीं है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, यहाँ पे मेरा फ़ोन पे होता है ना अपडेट देखने को मिलता है, तो उसको अपडेट करेंगे। ठीक है, आप अपडेट करने के बाद थोड़ा सा आप वेट करेंगे और नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। इस तरीके से नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है लीव। अदरवाइज़ यहाँ पे अगर आपको इस तरीके से ज्वाइन मिलता है, जैसा कि मैं फिर से इसको बैक कर देता हूँ, यहाँ पर ज्वाइन मिलता है इस तरीके से। ठीक है, तो इसको इस तरीके से ज्वाइन करेंगे। ठीक है, ज्वाइन करने के बाद आपको देखना होगा ये फ़ोन पे होता है, थोड़ा सा आप वेट करेंगे, यहाँ पर अपडेट हो रहा है। ठीक है, सो फ्रेंड, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, फ़ोन पे यहाँ से अपडेट हो जाता है। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसको मिनिमाइज़ करेंगे। अब आपको एक सेटिंग कर लिए, अब दूसरी सेटिंग आपको बता देता हूँ, क्योंकि इससे जो आपकी जो ट्रांजेक्शन फील्ड दिखा रहा है तभी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, तो आपको दूसरी सेटिंग करना है। तो अब दूसरी सेटिंग करने के लिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको फ़ोन पे देखने मिलता है, इसको लॉन्ग प्रेस करेंगे और आपको ऐप इन्फो पे आना है इस तरीके से। ठीक है, ऐप इन्फो पे आने के बाद फ्रेंड्स, आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस नज़र आ जाता है। अब आपको स्टोरेज एंड कैश पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखने मिलता है क्लियर स्टोरेज यहाँ पे, या फिर इस साइड में भी देखने को मिल जाता है। तो आपको क्या करेंगे, आपको देखने मिलता है जैसे कि आपको, सो फ्रेंड्स, या फिर इस तरीके से ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करके यहाँ पे क्लियर ऑल डाटा को सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से सिलेक्ट किया है मैंने और यहाँ पे इस तरीके से आपको करना होगा। ठीक है, इस तरीके से करने के बाद उसमें इस तरीके से ऑप्शन मिलता है तो अच्छी बात है, नहीं मिलता तो आपको इसमें भी इस तरीके से क्लियर करके इसका डाटा को क्लियर करेंगे इस तरीके से। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, इसको मिनिमाइज़ करेंगे। अब आपको मिनिमाइज़ करने के बाद अब आपको फ़ोन पे इस तरीके से फिर से ओपन करना होगा। दैट इज़, फ़ोन पे ओपन करने के बाद फ्रेंड्स, आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस नज़र आ जाता है। अब आपको फ़ोन नंबर डालेंगे, जो भी आपका फ़ोन नंबर से लॉगिन होता है वो अपना फ़ोन नंबर डालेंगे। दैट इज़, मैंने यहाँ पे फ़ोन नंबर डाल देते हैं, इसका लॉगिन कर देते हैं। लॉगिन करने के बाद जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, यहाँ पे थोड़ा सा वेट करेंगे, ओटीपी आता है। ओटीपी अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड एंड अनदर बाई पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखने मिलता है लॉगिन विद ओटीपी, इस पर क्लिक करेंगे। लॉगिन विद ओटीपी पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, थोड़ा सा वेट करेंगे। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, यहाँ पर मैंने लॉगिन किया और ओटीपी के माध्यम से लॉगिन हो जाता हूँ। ठीक है, अब आपको देखने को मिलता है यहाँ पे 100% बताऊँगा यहाँ पे क्या करना है, इसको अलाउ करना है इस तरीके से, इसको परमिशन को पहले एक्सेस करना होगा। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा आप वेट करना है। ठीक है, और आप लोग जैसे देख सकते हो, अब आप लोग जैसे कर सकते हो अलाउ करेंगे इस तरीके से। अब आपको अलाउ करने के बाद अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको जिससे भी ट्रांजेक्शन कर रहे हो, सपोज मानो बार कोड या फिर आपको फ़ोन नंबर के माध्यम से, तो उसमें अपना फ़ोन नंबर को सिलेक्ट करता हूँ इस तरीके से। फ़ोन नंबर को मैं सिलेक्ट किया है और जैसा कि आपको किसको ट्रांजेक्शन करना है, सपोज मानो मैं यहाँ पे भेज देता हूँ, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, उनको मैं ऋतु के नाम से भेजता हूँ। ठीक है, सिलेक्ट किया और यहाँ पे जितना भी आपको अमाउंट डालना है, सपोज मानो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 5 रुपये। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखने मिलता है अपनी बैंक है, जो भी बैंक होती है आपको सिलेक्ट कर लेंगे। मैं अपनी बैंक सिलेक्ट कर लिया, इसके बाद कंटिन्यू करेंगे और यहाँ पे देखने मिलता है पे पे क्लिक करेंगे। पे पे क्लिक करने के बाद जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, थोड़ा सा वेट करेंगे और अपना जो भी UPI पिन होता है वो आपको यहाँ पर डालेंगे। ठीक है, जो भी आपका UPI पिन होता है वो आपको डालना होगा। तो फ्रेंड, अब आपको UPI पिन डालना होगा, जो भी आपका UPI पिन होता है, मैं अपना UPI पिन डाल देता हूँ। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, राइट कर देंगे। राइट करने के बाद जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, थोड़ा सा अपडेट करेंगे, देख सकते हो ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग इस तरीके से जो आपकी पेमेंट फील्ड की प्रॉब्लम आ रही थी, अब आपकी नहीं आएगी। ठीक है, अदरवाइज़ आ भी जाती है तो आप लोग मुझे कमेंट करेंगे, मैं कमेंट का जल्द से रिप्लाई देता हूँ। बस यही थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ जो जानकारी आप लोग जानना चाह रहे थे आपको मिल चुकी होगी। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।